नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास पेशकश चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हिंगना विधानसभा एवं रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अमरनगर क्षेत्र में, जहां कि हम जनता की राय जानेंगे किस किस सरकार आनी चाहिए, किसको चुन के देना चाहती है यहाँ की जनता, क्या लगता है किसे आप वोट करोगे और किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन चुन के आना चाहिए। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो महायुति के उम्मीदवार है राजू पारवे, साथ ही साथ जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है श्याम कुमार बरवे, साथ ही साथ बीएसपी के उम्मीदवार है संदीप मेश्राम। इन तीनों में से आप कौन से बटन दबाना चाहोगे? शिवसेना राजू पारवे के लिए जो भी काम हुए, अभी अच्छे काम हुए सभी, इसके लिए वो ही सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। बस इसे इतना ही बोल के अपना दो शब्द खत्म कराऊं। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ कुछ शिक्षिकाएं मौजूद है जिनसे हम जानेंगे उनका जनमत। आप एक शिक्षिका है, साथ ही देश के भविष्य के विषय में काफी सोचती है, क्या लगता है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए किसके बटन दबाना चाहिए या कौन चुन के आना चाहिए, साथ ही साथ कौन चुन के आएगा? मुझे तो लगता है कि राजू पारवे सर अपना देश का भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए मेरा मत तो धनुष बाण को जाएगा। महिलाओं के लिए क्या लगता है, क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपको जो है धनुष बाण दबान? बहुत सी योजनाएं आई है, अभी तो कामगार कल्याण की योजना आई है और बहुत सी, यानी बीजेपी ने जो अभी तक के कार्य किए हैं वो तो अच्छे ही हुए, तो उसी लिए हम धनुष बाण को ही वोट करेंगे। इनका जनमत जो है धनुष बाण की ओर है, क्या लगता है आपको कौन सी बटन दबाना चाहिए और कौन यहाँ से जीत के आएगा रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? मुझे तो लगता है कि धनुष बाण ही आएगी, क्योंकि उनका वर्क हमें दिख रहा है, उन्होंने जो जो किया है, मतलब गर्ल्स के लिए तो और भी अच्छा उन्होंने किया है, जैसे सुरक्षा को लेकर अभी हम देख सकते हैं, अगर कोई महिला रास्ते से भी जा रही है तो ऐसा नहीं लगता कि वो सेफ नहीं है, ऐसा है, अगर वो रात को भी जा रही है तो वो सेफ है। मेरा वोट तो धनुष बाण की ओर ही है। आप किसे वोट देंगी, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या लगता है? मैं भी वही धनुष बाण ही आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 में भी बहुत सारे जनों को मदद की है और बहुत सुरक्षा भी प्राप्त की है, इसलिए मेरा वोट तो धनुष बाण को ही जाएगा। मैडम, कौन से बटन दबाना चाहेंगे आप रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, किसे सांसद देखना चाहती हैं? धनुष बाण को ही वोट दूंगी मैं, राजू पारवे सर। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा महिला शिक्षकों का भी जो है जनाधार धनुष बाण की ओर जा रहा है, एक महिला यहाँ गृहिणी हमारे साथ मौजूद है, आप एक महिला है, देश का भविष्य के बारे में अच्छे से सोचती है, क्या लगता है आपको रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसे चुन के देना चाहिए, साथ ही साथ जो है आप कौन सी बटन दबाएंगे? धनुष बाण में दबाएंगे, बीजेपी के छह हम पहले से बीजेपी में छोड़ना, लेकिन हमारे समस्या हल करना चाहिए, बस नल नहीं है मैडम, हमारे इधर नल होना चाहिए, हमारी एरिया में पानी का समस्या है, हम तो बीजेपी को देंगे दो चाहे ना दो, लेकिन हमारा समस्या हल करना चाहिए, हम बीजेपी वाले छे पहले से धनुष को देंगे। किसे आप अपना जनाधार देना चाहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या लगता है आपको कौन आएगा रामटेक लोकसभा से? इंडिया आघाड़ी समर्थित राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है श्याम कुमार बरवे ही जो है रामटेक लोकसभा से जीत के आने चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस ही आज देश की सत्ता चला सकती है। आप पिछले 5-10 सालों से अपन देखते आ रहे कि सिर्फ ने क्या बीजेपी की तरफ से धर्म के नाम का प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है और बाकी कुछ नहीं है सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, तो भ्रष्टाचार के नाम से कांग्रेस को बायकॉट किया, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाया इन्होंने, भ्रष्टाचारियों का नारा लगाया और वही भ्रष्टाचारियों को लेके आज सत्ता चलाने की जो बातें चल रही है वो हो रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार युक्त बीजेपी चल रही है ना अभी फिलहाल में। किसकी सरकार चाहती है इस बार आप रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, किसे सांसद चुनना चाहती है, राजू पारवे, श्याम कुमार बरवे, आखिर और अन्य कौन सा विकल्प आपके? राजू पारवे। हाँ, हमारा गांव का विकास बनना चाहिए, नल पानी सुविधा होना चाहिए, और 20 साल हो गए हम वोट देते हैं पर हमारा गांव का विकास कुछ बना नहीं, और बनना चाहिए। हाँ, समय पे हो बोलते फिर बाद में ठुकरा देते, वोट मांगने के लिए हमारे पास आते और कई सुविधा करते, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम वोट
बीजेपी को देंगे और बीजेपी आने वाली है ना आएंगी हाँ, पर हमारा विकास होना चाहिए। क्या लगता है अंकल, इस बार जो है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसे सांसद देखना चाहते हैं? मैं क्या बोलते लोकसभा क्षेत्र से, ये देखो मतदान हमारा एक तो गुप्त मतदान होता है और मतदान हम किसको करेंगे हम जाहिर नहीं करते, मतदान तो करना है, पर लेकिन मतदान करने के साथ साथ वो लोग विकास भी करना चाहिए। हमारे क्षेत्र का विकास हुआ नहीं आज तक, और हाँ कीचड़ में है, बहुत सी सुविधाओं से नदारद है हम लोग, और एक बार इनको चुन के देने के बाद अभी सिर्फ पूछने आते कि किसको मतदान करेंगे और मतदान हमको ही करो, पर लेकिन आने वाले 5 साल में कोई झाँक के देखता नहीं इधर, और बहुत सी समस्याओं से नदारद है हम लोग, तो हमारी समस्याओं का समाधान अगर करते हैं तो हम मतदान करेंगे। बीजेपी को मतदान किया हमने पिछले 2-3 बार, मगर उन्होंने क्या है कि जैसा चाहिए वैसा विकास नहीं किया है हमारा, और भलाई उन्होंने रोड रास्ते बनाए पर लेकिन आम जनता को देखते हुए आम जनता का विकास नहीं हुआ है। मजदूरी के क्षेत्र में बोलो, शिक्षा के क्षेत्र में बोलो, या और तमाम आम जनता के लिए जो उन्होंने करना चाहिए वो नहीं किया है। इसलिए हमारा एक ही आह्वान है कि भाई कोई भी पक्ष, सभी जो तीनों चारों पक्ष के जो लोग खड़े हैं उनको सभी को हमारा एक आह्वान है कि वो अगर जनता के हित के लिए, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए अगर कोई काम करते हैं तो हम इस बार भी उनको चुनेंगे और नेक्स्ट टाइम भी चुनेंगे, पर लेकिन अगर वो विकास की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम तो एक बार चुन के दे देंगे मगर दोबारा कोई चांसेस नहीं रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं किस की ओर है? हमारी अपेक्षा देखो, हम अपेक्षा अभी से बताते नहीं है क्योंकि हमारा मतदान गुप्त मतदान है, हम मतदान करेंगे मगर हमारे लिए जो ऐसा कार्यक्षम आदमी होगा जो सबके विकास के लिए, सबके हित के लिए काम करेगा उनको मतदान करेंगे, जो हम हमारे दिल में रखते हैं कि हम किसको मतदान करेंगे। दर्शकों, गुप्त मतदान का भी हम यहाँ जो है सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का जनमत किस ओर जाएगा ये भी जो है कहीं ना कहीं प्रतीत करना काफी आवश्यक है। इस वक्त और एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे इस बार रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आप किसे सांसद देखना चाहेंगे? सांसद के तौर पर अभी तक हमने जो देखा है, कई सालों से कांग्रेस ने यहाँ राज किया है बट हमारे बस्तियों में जो दुविधा थी वो अभी तक किसी पक्ष ने यहाँ सॉल्व नहीं की, और आमदार साहब जब से इस हिंगना विधानसभा क्षेत्र में आए हैं उन्होंने हमारे बस्ती का जो विकास किया है, यहाँ जो रोड रास्ते जो दिख रहे हैं वो सब यहाँ के विधायक जो है आमदार समीर मेघे उनको देखते हुए हम यहाँ मतदान करने वाले हैं, और उन्होंने यहाँ हर सुविधाएं हम तक पहुँचाई है। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने महिलाओं को जो है प्रावधान दिया हुआ है, आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने मोमेडियन का जो है 3 तलाक जो था वो हटाया हुआ है। यहाँ अगर हम कश्मीर की ओर जाते हैं तो कश्मीर से आपने कश्मीर में पहले देखा होगा कि एक देश और दो शासन राज चल रहा था, उसमें से उन्होंने जो 370 हटाया है वो एक बड़ा काम उन्होंने किया हुआ है, और मोदी जी का हमेशा जो है योगदान जनहित में रहा है, तो मोदी जी को देखते हुए हमारा मतदान जो है यहाँ इस बार यहाँ से जो है राजू पारवे जी यहाँ धनुष्य बांध पे भारतीय जनता पार्टी के महायुति पैनल में है, तो हमारा मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा। क्या बताना चाहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए क्या देश में? देखो अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव बेसिकली राजकारण आजकल हो रहा है धर्म के नाम पर, बेसिकली मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी विषय है, इसका कोई इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। चुनाव होना चाहिए इस मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा है। अभी जो सरकार है उन्होंने क्या किया है 10 साल में? 10 साल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है कि भैया किसी का विकास हो सके, धर्म की राजनीति हुई है। तो हम चाहते हैं कि भैया इस बार परिवर्तन हो, परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं हो पाया तो राजकारण इसी तरह चलते रहेगा, धर्म का मुद्दा उठते रहेगा और लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, विकास के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार चुन के आएगी। पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ है मैं पूछता हूँ आपको, क्या विकास हुआ है 10 साल में? बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है। कांग्रेस के शासनकाल में सारी चीज़ें नहीं थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी, मगर इस 10 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है देश का,
उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आप किसे सांसद देखना चाहिए चाहते हैं और कौन जीतेगा क्या लगता है? मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको हम विकास के रूप में देखते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ विकास जब से बीजेपी आई है तब से जिस तरह से विकास हुआ है, चाहे वो पानी का हो चाहे रोड का हो, विकास को देखते हुए हम लोग मतदान करना चाहेंगे। राजू पारवे जी, आमदार समीर मेघे जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे धारा 370 हो गई, अयोध्या का राम मंदिर हो गया, इसलिए हम बीजेपी के साथ ही जाना चाहेंगे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आपका महा मेट्रो देखने को मिल रही है, ये सब विकास के कार्य ही हैं और हम विकास के साथ ही जाना चाहेंगे, इसलिए हमारा मतदान श्री राजू जी पारवे जी को ही जाएगा। क्या बताना चाहेंगे, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद आप किसे चुनना चाहेंगे? अपने रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हम सांसद देखना चाहेंगे श्री राजू जी पारवे साहब को, क्योंकि उनका उमरेड विधानसभा में अच्छा काम है। जैसे हम हमारे इंगना के आमदार श्री समीर भाव मेघे हैं, वैसे ही उमरेड विधानसभा के आमदार श्री राजू जी पारवे, उनका भी कार्य क्षेत्र में काम अच्छा है, इसलिए हम मोदी जी के विकास के लिए और भारत देश के लिए हिंदुत्व के लिए हम हिंदुत्व के लिए श्री राजू जी पारवे को हम दिल्ली के तख्ती पे बैठाना चाहेंगे। इस बार आप किसे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो है सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? राजू पारवे, मैं चन्नागढ़ समाज से हूँ, आज तक मैं छोटे से बड़ा हो चुका हूँ, पर इस राज्य जो हमारा हिंगना रायपुर है, हमारे चरमा समाज को अभी तक पूछते नहीं थे, जब से मोदी सरकार आई है ये हमारे समाज को बहुत बड़ी एक ये मिला हुआ है। 19 अप्रैल को इलेक्शन है, इस बार हम विधानसभा क्षेत्र से हमारे क्षेत्र के आमदार माननीय समीर जी मेघे, इनका सब काम देख के हम इस बार भी मोदी सरकार को चुनना चाहते हैं, और इस बार के उम्मीदवार श्री माननीय राजू भाव पारवे, इनको हमारा इस समय का वोट रहेगा। इस बार जो है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आप किसे सांसद देखना चाहते हैं? मैं सांसद देखना चाहता हूँ राजू भाव पारवे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। ऊपर से हमारी सरकार जो है आज 50 साल से राज की कांग्रेस सरकार ने, हमारा इतना कार्यक्रम नहीं हुआ, कार्यकाल नहीं हुआ, जो कि मोदी जी 15 साल में बहुत बड़ा कार्यकाल कर चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बीजेपी सरकार बहुत सही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए मैं राजू भाव पारवे को ही चुनना चाहूंगा। क्या बताना चाहेंगे आप, किसकी सरकार आनी चाहिए देश में, साथ ही जो रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसकी सीट निकलनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अभी जो भी जनता है उसने सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दे जो कंट्री के सामने अभी लोगों को जाते हुए धर्म के नाम के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों को सही मायने में विकास क्या रहता है समझ ही नहीं पा रहा है। अभी आप देखिए 2014 के पहले की बात और 2014 के बाद में जो भी चीज़ें देश में घट रही है, आप सबसे पहले देखिए एजुकेशन के बारे में, इतनी महंगाई बढ़ रही है। आज इंजीनियर हुआ लड़का, पीएचडी हुआ लड़का पकोड़े तलने का काम कर रही है, यही एजुकेशन है। और हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि आप पकोड़े तलो, पकोड़े तलने के लिए आदमी पीएचडी करता है, इंजीनियरिंग करता है, 10,000 की जॉब नहीं मिल रही बच्चों की। दूसरी बात, किसानों की हम जब बात करते हैं, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, हमको पता है किसानी में क्या प्रॉब्लम है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर इतने 2-3 साल से आंदोलन चल रहा है किसानों का आंदोलन, और देखिए लगभग 700-800 किसान मर चुके हैं। साथ ही साथ कुछ एक दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी जो है धूप काले आपने देखे हैं, काफी वर्षा ऋतु देखी है, काफी अनुभवी आप हैं। इस बार जो है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसे चुन के देना चाहिए जो कि जो है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विकास हो? बीजेपी नेता जो है उसी को वोट देगा। ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर पाएगी? इसीलिए कि वो आज तक करते आई है ना, आज से करती आई है और करेगी सामने चल करके भी।
सामने चलकर भी कर भी विकास करेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना है यहाँ। और काफी सम्मिश्र प्रतिक्रिया जो है आप इस वक्त देख पा रहे हैं अमरनगर क्षेत्र में, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अमरनगर क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है, जो कि हिंगना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहाँ की काफी सम्मिश्र समस्याएं हमने यहाँ देखी, काफी समस्याएं भी है, साथ ही साथ जो है सम्मिश्र प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। कई जो है कांग्रेस की ओर मतदार जा रहा है, तो कई शिवसेना की ओर, साथ ही साथ महायुति की ओर, भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है मतदार जा रहा है। ये तो देखना काफी रोचक रहेगा कि देश में जो है किसकी सरकार बनती है। साथ ही साथ कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, किसे आप सांसद देखना चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, जो श्री राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे, बस हो गया और कुछ नहीं। राम को कौन लेके आए हैं, सीधे तौर पर बोला जाए तो किसे चुन कर देंगे? बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे, फिर से मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा जो है युवक का कहना है। साथ ही साथ जो है सम्मिश्र प्रतिक्रिया यहाँ जो है अमरनगर क्षेत्र से हमें मिल रही है। किसे वोट देना चाहिए, किसकी सरकार जो है देश में आनी चाहिए, साथ ही साथ बात की जाए रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, तो किसे आप चुन के देना चाहेंगे? संविधान अगर बचाना है, देश अगर बचाना है, तो कांग्रेस के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं एक दलित हूं और हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, क्योंकि मेरे को अगर अछूत बनाया है तो किसी क्रिश्चियन ने नहीं बनाया, किसी मोमेडन ने नहीं बनाया और किसी धर्म ने नहीं बनाया। जिस धर्म में रह रहा हूं उसी धर्म ने अगर मेरे को कलंक लगाया है तो उसके ऊपर सारे हिंदू धर्म के लोगों ने सोचना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि बस पंजी की बटन दबाओ और खेल ख़त्म करो इनका। आज जो हो रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेकर बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, वो आज जिन लोगों ने नहीं किया उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। केजरीवाल का कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन 60 करोड़ जो बीजेपी ने शराब घोटाले में पैसा लिया है पूरा प्रूफ के साथ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और केजरीवाल के ऊपर कैसे हो रही? ये सब हिटलरशाही चल रही है और हिटलरशाही खत्म करना है। आम्हाला म्हणजे जब रसनाचं प्रॉब्लेम होतं, जेव्हा आम्हाला विकत घ्यावं लागत होतं, ते आज आम्हाला फ्री मिळते। प्रत्येकाच्या बायांकडून खूप म्हणजे चांगलं आम्हाला सवलत पण मिळालेली आहे, यामुळून आमचं सुनाव चिन्ह आमचं कमलसाय आणि मोदी साहेबालाच आम्ही प्रधानमंत्री बनण्याचा विचार करत आहोत। आमच्याकडं प्रॉब्लेम फक्त पाण्याचा खूप आहे, तर साहेबांपर्यंत आमची हे जाऊ द्या, तर आमचा पाण्याचा प्रॉब्लेम खूप जास्त आहे आमच्या इथं। एवढ्या भागात म्हटलं तर पाणी इतकं हे आहे की आम्हाला लांब तर लांब काय कुणाच्या घरी जर गेलं ना तर आम्हाला हाकलून देतात। आमच्याकडं सोय आहे त्या लोकांकडं, तर थोडं म्हणजे एवढं होऊ द्या की आमच्या पाण्याची सोय बरोबर व्हावं द्या, बस इतकंच आहे। आणि आमचं चुनाव चिन्ह म्हणजे कमलच आहे, आम्ही मोदी साहेबांकडंच हे करणार आहोत, आमचं तेवढंच आहे बोलणं। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आप किसे सांसद देखना चाहते हैं? हम तो राजभाव पारवे उनको ही देखना चाहेंगे। आखिर क्यों, उन्होंने किया है आज तक, वो हमें उनका काम अच्छा लगा है और आगे भी वो करेंगे ऐसी आशा है हमारी। आम्ही बीजेपीला वोट देणार आहोत, आपण आमच्या इकडची समस्या जास्त आहे, पाणी आहे, कंपन्या आहेत, हां तो थोडेसे इकडे लक्ष द्या आपण। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा काफी सम्मिश्र समस्या है जो है अमरनगर क्षेत्र से मिल रही है। अमरनगर क्षेत्र जो कि रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिंगना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, काफी समस्याएं यहाँ है, साथ ही साथ जो है काफी सम्मिश्र प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिली। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पहले चरण के मतदान जो है 19 अप्रैल को होने वाले हैं, जहाँ की जो है जनता जनमत अपना जो है वहाँ दर्ज करेगी, ऐसी काफी जो है यहाँ जो है प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये देखना काफी रोचक रहेगा कि किसकी जो है इस बार सरकार बनती है और किसका जो है यहाँ सुपड़ा साफ होता है। काफी जो है समीकरण यहाँ देखने को मिलेंगे, काफी जो है सस्पेंस जो है उसका जवाब जो है काउंटिंग के दिन ही मिलेगा। कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर।